बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। बीजेपी सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर के नाम से फेसबुक आईडी बनी है, जिस पर लगभग 40,000 लोग जुड़े हैं। किसी व्यक्ति द्वारा इस फेसबुक आईडी पर अश्लील पोस्ट डालने से हड़कंप मच गया। अश्लील पोस्ट की जानकारी जब सांसद राजकुमार चाहर को हुई तो चर्चा का विषय बन गई। सांसद राजकुमार चाहर ने तत्काल पोस्ट का संज्ञान लिया और SSP बबलू कुमार से शिकायत कर फेसबुक आईडी को फर्जी करार देते हुए ऐसी हरकत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मुझे पहली बात तो ये है कि मुझे जानकारी नहीं कि कौन सा ग्रुप है, किसने बनाया है। जैसे ही मुझे जानकारी आई, मेरे एक मित्र ने बताया कि साहब कोई ग्रुप बना रखा है जनता जनार्दन लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी सांसद करके, तो उन्होंने बताया कि किसी ने कोई अश्लील चित्र या कोई वीडियो डाला है। तो ये बेहद गंभीर अपराध है कि किसी जनप्रतिनिधि के नाम से आपने कोई पेज या ग्रुप बनाया है और उस पर आप, पहली बात तो आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी जनप्रतिनिधि के नाम से, क्या सामान्य व्यक्ति के नाम से दूसरे के किसी के से कोई ग्रुप नहीं बना सकता है। और अगर ग्रुप बनाया किसी ने है वो गलत किया है। जिन लोगों ने भी ऐसा ग्रुप बनाया है उनके खिलाफ और जिसने भी ऐसी अश्लील वीडियो डाली है उसके खिलाफ गंभीर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में मैंने जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मुश्किल से 10 मिनट पहले मैंने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को फोन पर वार्ता की और स्वयं मैं एक पत्र लेके उनको मैंने पत्र भी लिख के दिया है कि उन ग्रुप जिन्होंने ग्रुप बनाया है कोई भी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और जिसने भी ये वीडियो डाला इस तरह का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कभी कोई हिम्मत न कर पाए किसी भी देश के नागरिक के नाम से ग्रुप बनाने का भी और फर्जी अश्लील चित्र और वीडियो डालने का। भाजपा सांसद भले ही इस आईडी को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन इस आईडी से जुड़े हजारों लोग कुछ और ही बयां कर रहे हैं। फिलहाल यह जांच का विषय है, यह आईडी फर्जी है या किसी की शरारत। SSP ने जांच कराकर अश्लील पोस्ट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, आज माननीय सांसद जी ने खुद आकर एक शिकायत की है कि किसी फेसबुक ग्रुप पे जो है अश्लील फोटोग्राफ पोस्ट किए गए हैं, वो एप्लीकेशन साइबर क्राइम सेल को दे दी गई है ताकि उसकी पूरी जांच हो सके। कौन ग्रुप एडमिन है, किसने वो पोस्ट किया है और किस कारण से किया है, उन सभी की गहनता से जांच करते हुए जो दोषी है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार फर्जी पोस्ट और साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का साइबर सेल मोबाइलों को सर्विलांस पर लगाने तक ही सीमित दिखाई देता है और साइबर अपराधी अपनी जड़ें मजबूत करते नजर आ रहे हैं। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।